वी विल जंप टूवर्ड्स थ्री डिमेंशंस नाउ. अभी तक हम टू डिमेंशंस में काम करते आए हैं. अभी तक हम सिर्फ इमेजेस पे काम कर रहे थे. अभी भी हम काम तो इमेजेस पे ही करेंगे, लेकिन हम थ्री डिमेंशनल वर्ल्ड से टू डिमेंशनल इमेज बनती कैसे है इसको देखेंगे. यानी कैमरा तस्वीर कैसे खींचता है इस प्रोसेस को देखेंगे. ठीक है. और इसकी इसकी ज्योमेट्री देखेंगे. ठीक है. सो जो इमेजिंग डिवाइसेस होती हैं, हमारी जो आँखें हैं वो भी तो इमेजिंग डिवाइसेस हैं. जानवरों की आँखें, ह्यूमंस की आँख, जो भी एनिमल आइज हैं, बिल्कुल जैसे ये ऑपरेट करती हैं, ऑलमोस्ट उसी तरह जो मॉडर्न कैमराज हैं वो भी ऐसे ही ऑपरेट करते हैं. सो आपकी आँख के अंदर आपकी आँख के अंदर ये जहाँ मैंने ये माउस है, यहाँ पे लेंस होती है. ठीक है. और ये लेंस जो है ये लाइट को फोकस करती है, ब्राइट इमेज बनाने की कोशिश करती है, शार्प इमेज बनाने की कोशिश करती है. इसी तरह कैमरे के अंदर भी लेंस होती है. ठीक है. आपके आँख के अंदर जो ऑब्जेक्ट की तस्वीर बनती है वो इन्वर्टेड बनती है, वर्टिकली भी फ्लिप्ड होती है और हॉरिजॉन्टली भी फ्लिप्ड होती है. इसी तरह कैमरे के अंदर जो तस्वीर बनती है वो भी वर्टिकली हॉरिजॉन्टली फ्लिप्ड बनती है. आपकी आँख में ये बनती इन्वर्टेड है, लेकिन उसके बाद ये इन्वर्टेड जो सिग्नल है ये ब्रेन ब्रेन को फीड होता है ये, और आपका ब्रेन बाद में इसको खुद ही सीधा करता है. ठीक है. सो पॉइंट इज के लेंस में से गुजरती है लाइट की रेज और इन्वर्टेड तस्वीर बनती है आँख में. यही कैमरे में भी होता है. ठीक है. आपकी आपकी आँख जो है ये सिर्फ सामने बस देख रही होती है, सामने से इसके अंदर लाइट आती है. यानी जितनी यहाँ पे ये ओपनिंग होती है जिसको आप आयरिस कहते हैं, सिर्फ वहाँ से लाइट जा रही होती है, अदरवाइज़ लाइट से प्रोटेक्टेड होती है आँख. इसी तरह कैमरा होता है कि कैमरे का जब आप एपर्चर खोलते हैं सिर्फ तब उसमें लाइट जाती है, और सिर्फ उसी जगह से लाइट जाती है लेंस के थ्रू, और बाकी जो कैमरे की बॉडी है वो कवर्ड होती है और कहीं से लाइट जा नहीं रही होती. फिर जिस तरह आपकी आँख में रेटिना पे तस्वीर बनती है, सो रेटिना एक स्फेरिकल सी सरफेस होती है जिस पे तस्वीर बनती है. आपके कैमरे में भी जो इमेज का सेंसर होता है पीछे, जिसको पिक्सल्स आप कहते हैं, उस सेंसर के ऊपर तस्वीर बनती है. और कैमरा में यूजुअली रेक्टेंगुलर सेंसर होता है, आँख में ज़रा स्फेरिकल होता है. सो देर आर अ लॉट ऑफ कॉमनैलिटीज़ बिटवीन हाउ द आई वर्क्स एंड हाउ कैमराज वर्क. खैर, आँख की तो फंक्शनैलिटी अभी पूरी तरह अंडरस्टूड भी नहीं होगी, क्योंकि बायोलॉजिकल जो फंक्शंस हैं वो रोज़ नए से नए दरियाफ्त हो रहे होते हैं. सो द आई इज़ एन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, बट अ कैमरा इट्स अ क्रूड एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाउ एन आई वर्क्स. एक चीज़ थी जिसे कैमरा ऑब्सक्यूरा कहते थे. लैटिन में इसका मतलब है डार्क चेंबर, यानी एक डार्क कमरा, अंधेरा कमरा. ये फिनोमेना जो है ये एंशिएंट चाइनीज़ ने डिस्कस किया हुआ है अपनी राइटिंग्स में. एंशिएंट ग्रीक्स ने भी इसको डिस्कस किया हुआ है, लेकिन इसको प्रॉपरली स्टडी किया एक साइंसदान था अबू अली अल हसन इब्न अल हैतम. इसके जो अल हसन है इसका जो लैटिनाइज्ड वर्जन है वो है अल हजन. तो अल हजन के नाम से ये काफ़ी मशहूर है वेस्ट में ये इंसान. सो इब्न अल हैसम जो है ये 11th सेंचुरी का एक साइंसदान था, और इसको फादर ऑफ ऑप्टिक्स कहते हैं. लेंजेज कैसे, ये तस्वीरें कैसे बनती हैं, ये कैमरा ऑब्सक्योरा किस तरह से काम करता है, इसका बहुत ज़्यादा काम, इसकी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन हैं ऑप्टिक्स की फील्ड में. सो खैर, कैमरा ऑब्सक्योरा का आइडिया ये है कि अगर आपके पास इस तस्वीर में अगर आप देखें कि एक कमरा है जो चारों साइड से बंद है,
इधर इलस्ट्रेशन के लिए उस कमरे की दो दीवारें यहाँ से ना तोड़ी हुई हैं या दिखा नहीं रहे हम, लेकिन असल में ये कमरा कम्प्लीटली बंद है, कम्प्लीटली डार्क है ये कमरा। और इस कमरे के अंदर सिर्फ यहाँ पर एक छोटा सा होल है, वहाँ से लाइट आ सकती है, ठीक है। अदरवाइज़ ये कमरा, अगर मैं ये होल बंद कर दूँ, ये कमरा बिल्कुल डार्क होगा। तो इस कमरे में ये लोग बैठे हैं और इस स्मॉल होल से लाइट आ रही है, और जो भी पीछे कोई सीन है वो सीन यानी सूरज की, सूरज इन ऑब्जेक्ट्स पे पड़ता है, रिफ्लेक्ट होती है लाइट और इस होल में से गुज़रती है। और इस होल में से गुज़रने के बाद कमरे की दूसरी दीवार पे अगर लेट्स से कोई वाइट, अगर पेंट वाइट हुआ होता या कोई वाइट शीट है या कोई भी, अगर वाइट ना भी हो, जो भी ये बैक प्लेन है, दूसरा कमरे की दूसरी दीवार वाला जो प्लेन है, उसके ऊपर ये फिनोमेना लोगों ने बहुत पहले से देखा हुआ था कि जो बाहर सीन होता था उसकी तस्वीर यहाँ पर नज़र आती थी, ठीक है, और इन्वर्टेड होती थी, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। और इसको कहते थे अंधेरा कमरा या डार्क चैम्बर या कैमरा ऑब्स्क्योरा। और इस होल, स्मॉल होल को बाद में लोगों ने नाम दे दिया पिन होल, के जैसे पिन से एक होल किया हुआ छोटा सा, ठीक है। तो ये पिन होल कैमरा की तरफ बात चल पड़ी, जिसका आइडिया ये है कि आपके पास एक यू हैव अ बॉक्स, अ बॉक्स दैट इज़ कम्प्लीटली इंसुलेटेड, कम्प्लीटली कवर्ड, जिसमें लाइट नहीं आ सकती, लेकिन एक छोटा सा उसमें आपने पिन से होल किया हुआ है, सिर्फ वहाँ से लाइट आ सकती है। तो होगा ये कि बाहर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सूरज की रोशनी अगर उन पर, या कोई बल्ब, कोई भी कोई रोशनी उन पर जब पड़ती है, वो रेज रिफ्लेक्ट करते हैं, और रिफ्लेक्टेड रेज हर जगह जा रही होती हैं, हर जगह, लेकिन कुछ रेज होती होंगी जो पिन होल में से गुजरती होंगी। तो जो पिन होल में से गुजर जाती हैं वो यहाँ पीछे जाके बैक प्लेन पे इन्वर्टेड एक इमेज प्रोड्यूस कर देती हैं। तो ये पिन होल कैमरे का कॉन्सेप्ट है। आप पिन होल कैमरा अपने हाथों से खुद भी बना सकते हैं, ये चीज़ आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, नेचर में भी नज़र आती हैं इस तरह की चीज़ें, पर आप बना भी सकते हैं। और अगर पीछे जो आपकी तस्वीर बन रही है, अगर आप यहाँ पे जो बैक प्लेन है, अगर ये कोई ऐसा मटेरियल हो कि जो जिस पे लाइट पड़े तो वो निशान छोड़ जाए, जिस तरह पुराने कैमरास की, फोटोग्राफिक जो कैमरास थे उनकी फिल्म्स होती थी, उन पे जब लाइट पड़ती थी वो रिएक्ट करती थी और वहाँ पे अपना निशान छोड़ जाती थी, इसे कहते थे तस्वीर खिंच गई। डिजिटल कैमरास में भी वो सोलर सेल्स होते हैं, एक्चुअली वो मेजर करते हैं कितनी लाइट पड़ी और उस लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। आपका मोबाइल फ़ोन भी यही करता है, उसका जो कैमरा है, तो वो जितनी लाइट पड़ रही होती है हर जगह पे उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, वो जो रिकॉर्ड है उसे आप तस्वीर कह देते हैं, ठीक है। तो ये कैमरे की बिगिनिंग्स हैं, ये जो पिन होल कैमरा मॉडल है, इसमें हम तो कह रहे हैं कि तस्वीर बन गई लेकिन आपने रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन अगर आप यहाँ पे रिकॉर्ड करने वाला मटेरियल डाल दें कोई, तो आपके पास कैमरा आ गया। तो पिन होल कैमरा मॉडल इज़ अ सिंपल अप्रोक्सीमेशन, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अ रियल कैमरा। लेकिन जो स्मॉल पिन होल होगा ना, अगर बहुत हल्का छोटा सा सुराख है, तो इमेज तो बहुत शार्प बनेगी लेकिन लाइट इतनी कम आएगी कि पिक्चर डिम होगी। अगर आप पिन होल को बड़ा कर देते हैं तो ज़्यादा लाइट एंटर हो रही होगी तो पिक्चर रोशन होगी, इट विल बी ब्राइटर, लेकिन ज़्यादा जगहों से भी लाइट आ जाएगी, सिवाय बजाय इसके कि एक स्पेसिफिक पॉइंट से लाइट आए, मुख्तलिफ पॉइंट से लाइट आ जाएगी और ब्लरी पिक्चर हो जाएगी। इसलिए पिन होल्स को ग्रेजुअली लोगों ने लेंजेज से रिप्लेस कर दिया, और लेंजेज का फ़ायदा ये था कि लेंस इमेज को ब्राइट भी करते थे, यानी ज़्यादा लाइट गैदर कर लेती थी लेंस, लेकिन ब्लरी भी नहीं होने देती थी पिक्चर को, शार्प भी रखती थी, ठीक है। तो पिन होल्स की जगह फिर लेंजेज लगने लग गई ताकि ब्राइट एंड शार्प इमेजेस आए। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो बैक प्लेन था जहाँ पे इमेज बनती थी, इमेज प्लेन, उसको फोटो सेंसिटिव मटेरियल से रिप्लेस कर दिया, तो फिर इमेज रिकॉर्ड हो जाती थी। और ये कैमरे की पैदाइश थी, मॉडर्न कैमरे की। तो मॉडर्न कैमरा इज एसेंशियली अ कैमरा ऑब्सक्योरा दैट रिकॉर्ड्स द अमाउंट ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग ईच लोकेशन ऑफ इट्स इमेज प्लेन, या जिसको आप रेटिना कह लें, अगर आप आँख के हिसाब से देखें। ये जो ईच लोकेशन है, आजकल के ज़माने में हम इस ईच लोकेशन को कहते हैं पिक्सल, ठीक है।
अच्छा, पिन होल कैमरा के मॉडल पे रहते हैं। पिन होल कैमरे में तस्वीर ऐसे बनती है कि मेरे पास ये रियल वर्ल्ड में एक पेंसिल थी और मेरे पास पिन होल कैमरे का जो जिस प्लेन में पिन होल लाए करता था, ये मैंने वो प्लेन ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, और उस प्लेन में एक छोटा सा सुराख है। जिस तरह इब्न अल हैथम वाली स्लाइड में उस वो कमरा था, कमरे की दीवार थी, ये वो दीवार है और उसके अंदर एक सुराख है। जो भी लाइट रेज इस पॉइंट से कोई रिफ्लेक्ट होती होंगी, बहुत सारी होती होंगी, एक कोई रिफ्लेक्ट होकर सीधी पिन होल में से गुजरती है, और पिन होल में से गुजरने के बाद कैमरा ऑब्सक्योरा के इमेज प्लेन पे, पिछले प्लेन पे हिट करती है। इसी तरह इस वाले पॉइंट से भी कोई लाइट जाएगी, रे जाएगी, और वो यहाँ हिट करेगी और एक इन्वर्टेड इमेज आ जाएगी, हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली इन्वर्टेड इमेज आएगी। ये जो डिस्टेंस होता है पिन होल से लेके इमेज प्लेन तक, इसको हम फोकल डिस्टेंस कहते हैं, फोकल लेंथ भी कह देते हैं, फोकल डिस्टेंस भी कहते हैं। ये बेसिकली इससे इस पे डिपेंड करता है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स आपको शार्प नज़र आएंगे, कौन से ऑब्जेक्ट्स आपको शार्प नहीं नज़र आएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये इमेज प्लेन एफ़ की बजाय हाफ एफ पे रख दूँ, करीब कर दूँ, तो फिर ये पेंसिल जो जहाँ पे पड़ी थी ये शार्प फोकस में नहीं नज़र आएगी, कोई और ऑब्जेक्ट होगा जो शार्प डेप्थ में आगे या पीछे, कोई और ऑब्जेक्ट होगा जो शार्प फोकस में नज़र आएगा, ठीक है। अब हम करते क्या हैं? ये तो है रियल फिजिकल जो सेटअप होता है कि ऑब्जेक्ट कैमरे के बाहर होता है, पिन होल यहाँ होता है, और पिन होल के पीछे असली तस्वीर बनती है जो कि इन्वर्टेड होती है। अब हम एक ट्रिक खेलने लगे हैं कि अगर मैं जितना ये एफ डिस्टेंस पीछे प्लेन पड़ा था ना, मैं इमेजिन करने लगा हूँ, अब ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है पर मैं इमेजिन करने लगा हूँ कि जितना पीछे एक्चुअल इमेज प्लेन पड़ा था उतना ही मैं आगे एक इमेजिनरी इमेज प्लेन रख लेता हूँ, वर्चुअल। असल में तो अगर मैं रखता यहाँ पे प्लेन तो लाइट तो सारी यहाँ पे लग के ख़त्म हो जानी थी, पिन होल तक तो लाइट ही नहीं पहुँचनी थी, इस प्लेन ने सब कुछ ऑक्लूड कर देना था, तो यहाँ इमेज भी कोई ना बनती। तो असल में तो ये पॉसिबल नहीं है, असल में तो पिन होल के पीछे ही होती है इमेज, लेकिन हम इमेजिन करने लगे हैं कि अगर एक वर्चुअल प्लेन इधर होता। और तस्वीर देखें मैं कैसे बनाता हूँ, तस्वीर मैं बनाता हूँ, अगर मैं पिछली स्लाइड पे जाऊँ, तस्वीर मैं बनाता हूँ इमेज दुनिया के पॉइंट को मैं लेता हूँ और मैं पिन होल को लेता हूँ, इन दो को कनेक्ट कर देता हूँ। लेट मी रिपीट दिस, मैं दुनिया का पॉइंट लेता हूँ और मैं पिन होल लेता हूँ, इनके दरमियान में से लाइन गुजारता हूँ और उस लाइन की इंटरसेक्शन इमेज प्लेन के साथ जहाँ भी होती है, मैं कहता हूँ यहाँ पे इसकी तस्वीर खींचिए, यहाँ पे वो पॉइंट प्रोजेक्ट हुआ है कैमरे में। इधर भी देख लें, मैंने दुनिया का पॉइंट लिया, पिन होल के साथ कनेक्ट किया, लाइन ड्रॉ की, उस लाइन को कंटिन्यू करता गया, जहाँ वो इमेज प्लेन से इंटरसेक्ट की, मैंने कहा ये उसकी इमेज है। इज दैट क्लियर कि तस्वीर कैसे बनाते हैं यस हम? सर। ओके, अब जब मैं वर्चुअल इमेज प्लेन पे आया हूँ तो ये उतना ही आगे, और इस पे अगर मैंने तस्वीर बनानी होती, तस्वीर का आइडिया फिर से वही है, मैं असली सीन पॉइंट पे गया, दुनिया वाला पॉइंट, पिन होल से कनेक्ट किया, एक लाइन आई, उस लाइन को अपने वर्चुअल इमेज प्लेन से इंटरसेक्ट करा दिया। इधर भी ऐसे किया, असली पॉइंट, पिन होल, लाइन कनेक्ट की, उस लाइन की इंटरसेक्शन ढूंढी मेरे वर्चुअल इमेज प्लेन में कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, और वहाँ पे इसकी तस्वीर बनेगी। अगर मैं वर्चुअल इमेज प्लेन यूज़ करता हूँ तो नोटिस कि मेरी तस्वीर फ्लिप नहीं बनती, सीधी बनती है, जैसा ऑब्जेक्ट था वैसी तस्वीर बनेगी, वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली। तो ये सिर्फ एक कन्वीनियंस है, ये सिर्फ एक मैथमेटिकल ट्रिक है, फिजिकली ये पॉसिबल नहीं है, फिजिकली तस्वीर पीछे ही बनती है। मैं सिर्फ तस्वीर सीधी बनाने के लिए मैथमेटिकल ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ।
कि मैं वर्चुअल इमेज प्लेन आगे रखता हूँ उतना ही डिस्टेंस जितना ये पीछे था असली इमेज प्लेन। इससे होता ये कि ज्योमेट्रिकली ये सिचुएशन, ये दो सिचुएशंस, ये इमेज प्लेन असली वाला और वर्चुअल, ये दोनों इनकी जो ज्योमेट्री है ना वो बिल्कुल आइडेंटिकल है, अदर देन के एक फ्लिप्ड है और दूसरा फ्लिप्ड नहीं है। साइजेस वही हैं, जो तस्वीर का साइज यहाँ पे होगा वही तस्वीर का साइज यहाँ पे होगा, ठीक है। हाँ, तो इनकी ज्योमेट्री सेम है, तो इनको ज्योमेट्रिकली मैं, अदर देन द फ्लिपिंग पार्ट, मैं ज्योमेट्रिकली इक्विवेलेंट है, तो हम कन्वीनियंस के लिए इस वर्चुअल इमेज प्लेन के साथ काम किया करेंगे। यहाँ पे कोई एतराज़ तो नहीं, कोई सवाल? ठीक है सर, क्लियर है। ओके तो अब मैंने क्या किया, अब मैं इसकी ना आहिस्ता आहिस्ता फॉर्मल मॉडलिंग की तरफ जाने लगा हूँ। वो जो पिन होल था ना, पिन होल को अब मैं नाम देने लगा हूँ कि ये मेरे कैमरे का सेंटर है, ठीक है। इसको मैं कैपिटल सी एक नाम देता हूँ। पिन होल की जो भी लोकेशन थी, जहाँ भी पड़ा था पिन होल के पिन होल, उसको मैंने कहा कि वो एक लोकेशन है, उसको सी का नाम दे देता हूँ। और जो मेरा प्लेन था, वो दीवार जिसके अंदर होल किया हुआ था, उसको मैं कहता हूँ फोकल प्लेन, क्योंकि ये डिटरमिन करता है कि मेरा फोकस किस तरफ है, ठीक है। मेरा फोकल प्लेन ये है, ये फोकल डिस्टेंस दूर होता है इमेज प्लेन से। जो मेरा वर्चुअल इमेज प्लेन है, अब वर्चुअल है, मैंने आगे रखा हुआ है और इसमें तस्वीर सीधी बन रही है। जो तस्वीर है उसको मैं स्मॉल एम से डिनोट कर रहा हूँ, और जो दुनिया वाला पॉइंट है जिसकी तस्वीर थी उसको कैपिटल एम से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा अब इसी मॉडल के साथ रहते हैं और इसको इसमें और चीज़ें ऐड करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं ऐड करूँगा वो ये है कि ये जो कैमरा सेंटर था या पिन होल था, इधर मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके आने लगा हूँ कि मैं अपने पॉइंट्स को अब जब मेजर करूँगा ना, तो ये मेरा ओरिजिन होगा जहाँ पिन होल था, माय कैमरा सेंटर, ये मेरा ओरिजिन होगा जिसको आप पॉइंट 0.0.0 समझते हैं। दिस विल बी माय ओरिजिन। इसके साथ, इस ओरिजिन के साथ मैं कोई एक्स एक्सिस, कोई वाई एक्सिस और कोई जी एक्सिस, 3D के जो एक्सिस होते हैं वो मैं जोड़ूंगा इस ओरिजिन के साथ। ये पहली चीज़ आप नोट कीजिएगा अगली स्लाइड में कि मैं इस ओरिजिन के साथ तीन एक्सिस जोड़ूंगा, एक्स वाई जी। दूसरी चीज़ आप नोट कीजिएगा कि चूंकि मैंने इमेजेस के साथ काम करना है, सो मैंने दुनिया के पॉइंट्स के साथ भी काम करना था। दुनिया के पॉइंट्स की मेजरमेंट के लिए मैं यहाँ पे वर्ल्ड, यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम लाया। फिर मैंने इमेजेस के साथ भी काम करना है, ये तो पिक्सल्स होते हैं, और तो इसलिए मैं इमेज के अंदर भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके आऊँगा। कैसे लाऊँगा वो देख लेते हैं, ठीक है। अब अगली स्लाइड में कुछ नोटेशन है तो घबराइएगा मत। बारी बारी चलते हैं। ये मेरा फोकल पॉइंट था, पिन होल, जिसको कैमरा सेंटर भी कहते हैं, जिसको फोकल पॉइंट भी कहते हैं, इसके नाम कई हैं, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको आप कैमरा सेंटर भी कहते हैं, इसको आप अभी तक पिन होल भी कह रहे थे, और इसको फोकल पॉइंट भी कहते हैं। ओके, अब उसको मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा ओरिजिन है, इसके साथ ही एक एक्स एक्सिस है ऊपर को जा रहा है, और एक वाई एक्सिस है, और एक जी एक्सिस है, ये यहाँ पे जी लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो जी एक्सिस है ये आपके कैमरे से बिल्कुल ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में देख रहा है, यानी पिन होल वाली जो दीवार थी, पिन होल वाली दीवार से अगर मैं नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ करूँ वो बिल्कुल उस दीवार के ऑर्थोगोनल होगा। तो जो भी फोकल प्लेन था जिस प्लेन में पिन होल लाई करता था, उस प्लेन के जो ऑर्थोगोनल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर जिसे कहते हैं 3D में, ये वो नॉर्मल वेक्टर है जी। इसको ऑप्टिकल एक्सिस भी कहा जाता है, ये डिटरमिन करता है कि कैमरा कहाँ देख रहा है, ठीक है। तो ओके, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने कहा था एक मैं लाऊंगा, वो मैं ले आया हूँ कि
ओरिजिन पे यानी जो भी पिन होल था उस पे मैंने एक एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस जोड़ दिया और मैंने कहा है कि जो पिन होल था वो ओरिजिन है। सिमिलरली इनफैक्ट ये वो फोकल डिस्टेंस है कि पिन होल और जो इमेज प्लेन था जो कि वर्चुअली है, पिन होल और इमेज प्लेन का जो डिस्टेंस है वो ये फोकल डिस्टेंस है एफ। फिर इमेज के अंदर भी मेरा एक ओरिजिन है, ये मेरा इमेज के अंदर जो सी लिखा हुआ है इसको कहते हैं प्रिंसिपल पॉइंट, ये मेरा 0.0, इसको समझ लें कि इमेज के अंदर जो भी मैं मेजरमेंट्स करूंगा वो इस पॉइंट के हिसाब से होंगी, ये 0.0 है सी। ये आया कैसे? ये इस तरह से आया, ये जो कैमरा का सेंटर था कैपिटल सी, इससे ऑप्टिकल एक्सिस जाता था यानी जेड एक्सिस। ऑप्टिकल एक्सिस ने जहां भी इमेज प्लेन को इंटरसेक्ट किया दैट इज सी। इज स्मॉल सी अंडरस्टूड? इस पे कोई सवाल? आर यू श्योर? बिल्कुल क्लियर है? यस सर। ओके ओके, इसका मतलब मेरे पास अगर ये 0.0 आ गया है, इमेज का 0.0, तो इधर भी मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले आता हूँ। ऊपर वाले को मैं एक्स एक्सिस कहूँगा और इधर वाले को मैं वाई एक्सिस कह रहा हूँ। तो मेरे पास एक कैमरे का कोऑर्डिनेट सिस्टम भी आ गया है, ये तीन एक्स वाई और जी, और इसी तरह मेरे पास इमेज का भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया है, एक्स वाई, बस दो ही चाहिए, एक्स और वाई, ठीक है। और उसके ओरिजिन जो है उसको मैं प्रिंसिपल पॉइंट कहता हूँ, जो कि ऑप्टिकल एक्सिस की इंटरसेक्शन है इमेज प्लेन के साथ। ओके फाइन, और तस्वीर कैसे खींचते हैं हम कि मेरे पास एक पॉइंट है एम, लेकिन अब मैंने एम सब सी लिखा है। कैन एनी वन गेस के एम सब सी, सी का क्या मतलब होगा यहाँ पे? सो सी जो है उसका मतलब है कि ये जो एम पॉइंट आपको नजर आ रहा है, ये इसके जो भी यूनिट्स होंगे, ये कोई वेक्टर है ना, कोई लोकेशन है, ये लोकेशन किसी ओरिजिन के हिसाब से होगी, किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से होगी। वो कोऑर्डिनेट सिस्टम ये है, कैमरा कोऑर्डिनेट सिस्टम। इज दिस पॉइंट क्लियर? एम इज रिप्रेजेंटेड इन दिस कैमरा कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें 0.0.0 ये पॉइंट है, एक्स एक्सिस इधर जाता है, वाई इधर जाता है, जी इधर जाता है। इसके जो भी तीन कंपोनेंट्स होंगे वो इन एक्सिस पे जो कंपोनेंट्स थे, एक्स वाले पे, वाई एक्स और जी पे। दिस इज व्हाट पॉइंट एम इज। पॉइंट एम इज रिप्रेजेंटेड इन द कैमरा कोऑर्डिनेट सिस्टम वेयर बाय दिस इज 0.0.0। तस्वीर कैसे बनती है? एम सी को, सीन पॉइंट को मैं जोड़ता हूँ कैमरा सेंटर से यानी पिन होल से, एक लाइन आती है, लाइन की इंटरसेक्शन इमेज प्लेन के साथ, जहाँ भी इंटरसेक्ट करता है वो एम है, स्मॉल एम, ये मेरा इमेज का पॉइंट। एनी क्वेश्चन सो फार? सर क्लियर। ओके आगे चलते हैं। अगली स्लाइड पे हम वो इक्वेशन देखने लगे हैं जिससे आप कैपिटल एम से स्मॉल एम पे चले जाते हैं, यानी जिससे दुनिया के पॉइंट की तस्वीर खिंचती है और इमेज का पॉइंट आ जाता है। ये इक्वेशन अब हम देखने लगे हैं। इसको देखने के लिए आप ये नोट करें कि ये जो पॉइंट सी है और पॉइंट स्मॉल एम और कैपिटल एम, क्या ये एक ही लाइन पे लाई करते हैं? यस सर। हाँ, ये तो बाय डेफिनेशन सी और कैपिटल एम को जोड़ के हमने लाइन बनाई थी, और फिर हमने कहा था उस लाइन की इंटरसेक्शन किसी प्लेन के साथ, तो वो इंटरसेक्शन प्लेन पे तो होगी, लाइन पे तो डेफिनेटली होगी। तो सी एम, स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर कोलिनियर पॉइंट्स, दे लाई ऑन द सेम लाइन, विच मीन्स कि अगर मैं वेक्टर ड्रॉ करूँ सी एम, ये वेक्टर आप विजुलाइज कर सकते हैं सी एम से जो वेक्टर बनेगा, सिर्फ ये वाला वेक्टर? यस सर। सिर्फ सी से लेके एम तक। अच्छा, एक मेरे पास ये वेक्टर है सी एम वाला, मैं ऐसा करता हूँ ड्रॉ कर ही लेता हूँ।
सो एक वेक्टर मेरे पास बनता है सी एम वाला, और दूसरा वेक्टर मेरे पास बनता है सी कैपिटल एम वाला। ये दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल सर। इसका मतलब है कि इन दो वेक्टर्स में सिर्फ स्केलिंग का फर्क होगा। राइट सर। ओके, अगर आप ये बात मान लेते हैं कि इनमें सिर्फ स्केलिंग का फर्क है, तो फिर मैंने यहां पे ये लिखा है सी एम, ये वो पिछली स्लाइड पे ब्लू वेक्टर है सी एम, और सी कैपिटल एम रेड वेक्टर है। सो पिछली साइड पे जो ब्लू वेक्टर था सी एम, दैट इज जस्ट अ स्केल्ड वर्जन, और स्केल कितना है लैम्डा, इट इज अ स्केल्ड वर्जन ऑफ सी कैपिटल एम। अग्रीड? ये इक्वेशन से आप अग्री करते हैं? यस सर। बाकी लोग? यस सर। यस सर। प्रेशर में तो नहीं यस कह रहे वाकई? नो नो। ओके सर, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करने लगा, अगर आप इससे एग्री कर गए हैं कि ये तो स्केल्ड वर्जन है एक दूसरे के, अब मैंने यहां पर सी एम जो वेक्टर है ना उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। वेल एम ये वाला पॉइंट है एक्स और वाई, जो भी पॉइंट एम 2D पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट्स थे एक्स और वाई 2 dimensions में, लेकिन वो वर्चुअल इमेज प्लेन पे लाए करता था। वर्चुअल इमेज प्लेन अगर मैं वापस जाऊं, वर्चुअल इमेज प्लेन के अगर मैं कैमरा कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से देखूं, तो ये जो स्मॉल एम पॉइंट है अगर इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई, 3D में अगर देखूं तो ये कोऑर्डिनेट्स बनेंगे एक्स कॉमा वाई कॉमा एफ, क्योंकि ये पूरा जो ग्रीन प्लेन था ये पूरा प्लेन ही एफ डिस्टेंस दूर था, तो इसका जो जी कंपोनेंट है थर्ड कंपोनेंट वो तो एफ होगा। ऑल पॉइंट्स ऑन दिस ग्रीन प्लेन विल हैव द थर्ड कंपोनेंट इक्वल टू एफ, और एम एक पॉइंट है जो इस ग्रीन प्लेन पे लाई करता है, इसका मतलब है इसका थर्ड कंपोनेंट तो एफ होगा। फर्स्ट टू कंपोनेंट्स क्या हैं, उनको एक्स और वाई कह देते हैं। क्या इज दिस क्लियर टू यू, वाई एम इक्वल्स एक्स वाई एफ, इज दिस क्लियर? यस सर, क्लियर। अगर ना हो तो मुझे रोक दीजिएगा, ठीक है? मैं जरा, क्योंकि मैं लेट हो गया तो टाइम कम है, इसलिए मैं तेज से चल रहा हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप मुझे रोक देंगे, ठीक है? सो प्लीज मुझे रोक दीजिएगा अगर समझ ना आ रही। सो दिस पॉइंट एम इज एक्स कॉमा वाई कॉमा एफ, अगर 3D में इसको देखा जाए, और 3D में जो ये वाला पॉइंट है एम सी, इसको मैं कहता हूँ एक्स कॉमा वाई कॉमा जी, कोई भी इसके तीन कोऑर्डिनेट्स थे एक्स कॉमा वाई कॉमा जी, और अब मैं ये कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन में एम के कोऑर्डिनेट्स, इस पूरे वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स लेके आता हूँ सी से लेके एम तक। वेल सी तो खुद ओरिजिन है 0,0,0 जिसे कहते हैं, तो इसका मतलब सी एम जो वेक्टर है ये सिर्फ एम के कोऑर्डिनेट्स होंगे, वे लिखे हुए एक्स वाई एफ। सर एक छोटी सी गलती नहीं होगी यहाँ पे? बताइए। जो कैपिटल एम सी है वो स्केल्ड वर्जन है सी स्मॉल एम वाले का। स्केल से आपका क्या मतलब है, मैग्निफाइड ओनली या छोटा भी हो सकता है? छोटा भी हो सकता है। अगर छोटा है तो फिर सी स्मॉल एम भी तो स्केल्ड वर्जन है, लैम्डा को लेस देन 1 कर दें फिर ठीक है। फिर यानी ये तो आपने जबरदस्ती अज्यूम कर लिया कि लैम्डा ग्रेटर देन 1 होगा, इट डजंट हैव टू बी, लैम्डा कैन बी एनीथिंग, लैम्डा कैन बी नेगेटिव एज वेल, ठीक है जी? राइट। सो लैम्डा कंट्रोल कर रहा है कि क्या स्केल है, वो अप स्केल हुआ है डाउन स्केल हुआ है जो भी है वो लैम्डा है, ठीक है जी? ठीक है। ओके, तो मैंने यहाँ पे लैम्डा भी लिख दिया। सी एम के कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। वेल सी तो ऑरिजिन था, और ये जो वेक्टर बनेगा ये सिर्फ एम सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे जो कि एक्स वाई जी हैं जो भी वो हैं, तो मैं बस ये यहाँ पे सी एम के कोऑर्डिनेट्स लिखे एक्स वाई एफ, राइट साइड पे लिखा लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय सी एम सी जो कि एम सी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स वाई जी है,
डू यू अग्री विद दीज थ्री इक्वेशंस? यस सर. ओके, इन तीनों ने इम्प्लाई क्या किया? पहली इक्वेशन इम्प्लाई करती है कि लैम्डा इक्वल्स स्मॉल एक्स ओवर एक्स. सेकेंड इक्वेशन इम्प्लाइज लैम्डा इक्वल्स स्मॉल वाई ओवर वाई. थर्ड इक्वेशन इम्प्लाइज लैम्डा इक्वल्स फोकल डिस्टेंस ओवर जी. ये तीनों बातें यहाँ लिखी हुई. पहली इक्वेशन कहती है लैम्डा ये है, दूसरी इक्वेशन कहती है लैम्डा ये है, तीसरी इक्वेशन कहती है लैम्डा ये है. ठीक है, ये तीनों बराबर आएंगे, ये बराबर वैल्यूज आएंगी. ठीक है, और वो जो भी बराबर वैल्यू है वो लैम्डा होगी. अब मैं करता क्या हूँ, मैं लैम्डा को ये सेट करने लगा हूँ एफ ओवर जी. हैं तो सारे बराबर, लेकिन मैं फॉर्मूले के अंदर लैम्डा को रिप्लेस करने लगा हूँ बाय एफ ओवर जी. इन तीन लाइंस में आई विल बी रिप्लेसिंग लैम्डा बाय एफ ओवर जी एंड दिस गिव्स मी द कैमरा प्रोजेक्शन इक्वेशंस के एक्स इक्वल्स लैम्डा एक्स. लैम्डा तो एफ ओवर जी था, सो आई गेट एक्स इक्वल्स एफ ओवर जी इंटू एक्स. वाई था लैम्डा इंटू कैपिटल वाई, विच मीन्स स्मॉल वाई इक्वल्स एफ ओवर जी इंटू वाई, विच इज एफ इंटू वाई ओवर जी. ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन इक्वेशंस हैं. ये मैं क्यों कह रहा हूँ प्रोजेक्शन इक्वेशंस, क्योंकि इन्होंने ये जो एक्स वाई जी था ये दुनिया का पॉइंट था, ये 3D का एक पॉइंट था एक्स वाई जी, और उसके जो एक्स वाई स्मॉल एक्स वाई थे ये तो इमेज प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट्स थे. तो मैंने इन दो इक्वेशन से एक दुनिया के पॉइंट को, एक थ्री डिमेंशनल पॉइंट को मैंने एक टू डिमेंशनल इमेज प्लेन के ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया. एनी क्वेश्चंस? नो सर, क्लियर. ओके, फिर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ. अगर मेरा जो दुनिया के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जी, या अगर ये इनके यूनिट्स भी तो कोई होते होंगे ना, कि एक्स इंचेस, वाई इंचेस, जी इंचेस, या एक्स मीटर्स, वाई मीटर्स, जी मीटर्स, कोई ना कोई यूनिट्स तो होते हैं चीज़ों के, मेजरमेंट्स के. तो अगर ये इंचेस में है, मुझे बताएं स्मॉल एक्स के यूनिट्स क्या होंगे? सर पिक्सल्स में होंगे. कैसे? सर इसका यूनिट भी इंचेस में ही होना चाहिए. जी हाँ, ये भी अभी इंचेस में होगा, मैंने कोई कन्वर्जन की नहीं इंचेस से. इस तरह से देख लें, एक्स इंचेस में है, जी भी इंचेस में है. वेल, ये तो यूनिट कैंसिल नहीं हो जाएंगे. यस सर, ये टर्म तो यूनिटलेस हो गई, क्योंकि ये तो रेशियो है एक्स ओवर जी. लेकिन फोकल डिस्टेंस भी तो एक डिस्टेंस है ना, फोकल लेंथ भी तो एक लेंथ है, वो भी तो वर्ल्ड वाले यूनिट्स में है. जो भी यूनिट्स आपके एक्स और जी के थे वो इधर भी हैं. तो अगर ये भी इंचेस में होगी, सो एफ की वजह से इंचेस आ गए अभी भी. सो योर स्मॉल एक्स इज इन इंचेस, योर स्मॉल वाई इज इन इंचेस. आपकी इमेज के ऊपर प्रोजेक्शन तो हो गई है, लेकिन ये प्रोजेक्शन के जो यूनिट्स हैं ये इंचेस हैं, पिक्सल्स नहीं है. डू यू गाइज अग्री? यस सर. तो अब हम ये देखने लगे कि इसको इंच, ये खैर थोड़ी देर बाद देखेंगे कि ये इंचेस में कैसे कन्वर्ट करना है. उससे पहले एक और चीज़ हम देखेंगे, वो ये है. ये आपका कोई सीन का पॉइंट है कैपिटल एम. ठीक है, ये आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई और जी, और ये उसका ओरिजिन है ओ. और ये मैं कह रहा हूँ कि मेरी जो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कि इस, ये वो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसके हिसाब से मैं सब चीज़ों को मेजर करता हूँ. कैमरा जो है उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम ये बना हुआ है, उसमें कैमरे का सेंटर है, पिन होल जिसे कहते हैं, या लेंस जहाँ पे है. तो दैट्स माय कैमरा सेंटर सी. उसके ऊपर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसका एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस होगा. तो
देखिए कैमरा जो है ना, ये मैं अपने हाथ में पकड़ा होता है, मैं कैमरे को ज़रा सा मूव कर दूँ तो इसका कैमरे का ये जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये पूरा मूव हो जाएगा। कैमरे को रोटेट कर दूँ, ये पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम रोटेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरा जो दुनिया का पॉइंट है, अगर मैं दुनिया के किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से देखूँ, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से, तो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम भी वहीं पड़ा है और दुनिया का जो पॉइंट था वो भी वहीं पड़ा है। ये तो स्टैटिक चीज़ें थी। कैमरा जो है ये मेरे हाथ में है, ये मैं हिला सकता हूँ, ठीक है, रोटेट कर सकता हूँ। सो जो असल में मेरे पास पॉइंट्स होंगे ना, वो वर्ल्ड के हिसाब से मेजर हुए होंगे। कोई ना कोई वर्ल्ड को, फॉर एग्जांपल जिस कमरे में आप इस वक्त बैठे होंगे, उस कमरे का आप कोई भी कोना ले लें, चाहे फर्श पे कोई कोना ले लें, चाहे छत पे कोई कोना ले लें, उस कोने को कहें कि वो मेरी दुनिया का ओरिजिन है और मैं अब जो भी मेजरमेंट करूंगा मैं उस कोने के हिसाब से करूंगा, क्योंकि उस कोने से, कमरे का एक कोना लें तो वो कोना ओरिजिन है और उससे तीन एक्सिस निकलते हुए आपको नजर आ रहे होंगे किसी भी कोने से, राइट। वो जो तीन एक्सिस निकल रहे हैं वो आपके वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। और अगर कोई सीन में, कोई आपके कमरे में कोई और कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है वो उसी कोने के हिसाब से आप देखेंगे। लेकिन हमने जो प्रोजेक्शन इक्वेशंस अभी देखी थी, लेट मी गो बैक, ये जो प्रोजेक्शन इक्वेशंस अभी निकाली है हमने, ये कहाँ से कहानी चली थी? ये कहानी चली थी कि मेरे पास एम सी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जी, ये कैमरा कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट हुआ हुआ है, यानी इसके एक्स वाई जी कैमरा ओरिजिन और कैमरा के जो तीन एक्सेस थे उनके हिसाब से रिकॉर्ड हुए हैं। सो अगर आपके पास एक पॉइंट है सीन का दुनिया में जो कि वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट हुआ हुआ है, सम हाउ यू नीड टू फाइंड दिस रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट, कि वो कैमरा कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसी सीन पॉइंट एम के क्या रिप्रेजेंटेशन बनती है, ठीक है। दिस इज जस्ट अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम। लीनियर एल्जेब्रा में ये काफ़ी वेल स्टैब्लिश्ड है कि ये किस तरह से होता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे उसके बस समरी बता देता हूँ कि अगर आपके पास एक पॉइंट है एम जो कि वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट हुआ हुआ है, अगर आपने उसको कैमरा कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है, ऑल यू नीड टू डू इज़ कि उस पर एक 3D रोटेशन लगाएं, क्योंकि आप 3D में मौजूद हैं, एक थ्री डिमेंशनल रोटेशन लगेगी 3D में और एक ट्रांसलेशन ऐड हो जाएगी 3D में, ठीक है। सो दिस आर इज़ अ 3x3 मैट्रिक्स, इट रिप्रेजेंट सम 3D रोटेशन एंड टी इज़ अ 3D ट्रांसलेशन वेक्टर। अगर ये आर और टी आपके पास मौजूद हैं तो आप वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम की बजाय किसी भी पॉइंट को कैमरा कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट कर लेंगे, और रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि आप उसकी तस्वीर भी खींच लेंगे, जो कि हमने पिछली स्लाइड पे देखा कि प्रोजेक्शन इक्वेशंस जो हैं वो जब आपके पास एम सी आ जाता है तब अप्लाई की जाती है। ये तो मैंने नॉन होमोजेनस कोऑर्डिनेट्स में लिख दिया। अगर मैं होमोजेनस कोऑर्डिनेट्स में लिखता तो मैं एम डब्ल्यू, चले मैं हिंट, आई शुड हैव, मैंने ज़रा अब्यूज़ ऑफ नोटेशन कर लिया, ये होमोजेनस कोऑर्डिनेट्स में है, जिसको हम शायद, ऐसे लिखते थे टिल्डा के साथ, ठीक है। यानी इसके जो 3D पॉइंट्स थे, 3D कंपोनेंट्स, उनमें एक वन अपेंड कर दिया तो ये 4 का वेक्टर हो जाएगा। और ये ट्रांसफॉर्मेशन टी है, ये वो ट्रांसफॉर्मेशन है जो वर्ल्ड से कैमरे के हिसाब से रिप्रेजेंट कर देगी चीज़ों को। और इस ट्रांसलेशन, ये एक 4x4 मैट्रिक्स है। 4x4 इसलिए क्योंकि ये जो आर है ये 3x3 है, ये एक 3D रोटेशन थी, ये टी जो है ये 3x1 है, ये ट्रांसलेशन वेक्टर था, ये 0 ट्रांसपोज जो है ये 1/3 हो गया क्योंकि ट्रांसपोज हुआ, ये वेक्टर है और यहाँ पे 1 पड़ा है, तो दिस इज़ अ 4x4 मैट्रिक्स। और इस 4x4 मैट्रिक्स के आगे जब भी आप कोई होमोजेनस स्पेस वाला पॉइंट लेके आएंगे तो ये उसको रोटेट करेगा और ट्रांसलेट कर देगा बाद में। इसे रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं क्योंकि
इसमें जैसा ऑब्जेक्ट पहले था वैसा ही रहेगा। अगर आपने क्यूब को ट्रांसफॉर्म किया वो क्यूब उस वही क्यूब रहेगा। अगर आपने कोई आई डोंट नो कोई कोई भी थ्री डिमेंशनल ऑब्जेक्ट ले लें जिसमें डेप्थ भी हो, उसको आप इससे ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ऑब्जेक्ट बस रोटेट और ट्रांसलेट हो जाएगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट की शक्ल नहीं बदलेगी, बिल्कुल वैसे ही रहेगा, उसका साइज नहीं बदलेगा। ठीक है, उसको रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आपके पास एक पॉइंट वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट हुआ हुआ है, सबसे पहले आपको उसके ऊपर कोई ना कोई रोटेशन और कोई ना कोई ट्रांसलेशन यानी कोई ना कोई रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन लगानी पड़ेगी, ताकि वो पॉइंट आपके पास दुनिया की बजाय कैमरा कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट हो जाए। जब ये हो जाएगा अब प्रोजेक्शन इक्वेशंस लग सकती हैं। ठीक है, 3D रोटेशन मैंने यहाँ जिक्र किया आर का। 3D रोटेशन जो है ये इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितनी 2D रोटेशन थी। 3D रोटेशन जो है ये एक 3x3 मैट्रिक्स होता है, और कोई भी रोटेशन जो है ये एक 3x3 मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट हो सकती है। लेकिन इसकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, इट हैज़ टू बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। खैर बहरहाल उसकी मैं अभी प्रॉपर्टीज़ में नहीं जाता। कोई भी आर्बिट्री रोटेशन 3D में कोई भी रोटेशन आप करना चाहें ना, आप उसको डीकम्पोज कर सकते हैं into a sequence of rotations around the individual axis, के x के इर्द गिर्द इतना रोटेट कर दो, y के इर्द गिर्द इतना रोटेट कर दो, और z के इर्द गिर्द इतना रोटेट कर दो। कितना कितना करना है कि x के इर्द गिर्द इतने एंगल से रोटेट करो, y के इर्द गिर्द इतने एंगल से थीटा, z के इर्द गिर्द इतने एंगल से। और ये जो रोटेशन मेट्रिसेस हैं, बिल्कुल जिस तरह आपने 2D जो हमने 2-dimensional transformations हमने पढ़ी थी, एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन, होमोग्राफी, परस्पेक्टिव, प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी थी, तो हमने 2-dimensional रोटेशन मैट्रिक्स डिराइव किया था। वो था कॉस थीटा माइनस साइन, साइन एंड कॉस। अगर आप एक्स 3D में एक्स एक्सिस के इर्द गिर्द आपने अगर रोटेट करना है चीज़ों को, तो मैं आपको हिंट ये देता हूँ कि अगर आप एक्स एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट कर रहे हैं तो एक्स वैल्यू चेंज नहीं होगी, वाई और जी चेंज हो सकते हैं, एक्स वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो आप हिंट के लिए, या मैं आपको देता हूँ कि अगर आपके पास इस तरह का पॉइंट है एक्स वाई जी, और इस पॉइंट को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं इस मैट्रिक्स से, सो नोटिस के ये 100 है यहाँ पे, विच मीन्स के इसके आंसर में यहाँ पे तो एक्स आ जाना है, और y कुछ ना कुछ और होगा, z कुछ ना कुछ और होगा। तो चूंकि x ने चेंज ही नहीं होना, इसका मतलब है ये रोटेशन वाकई x एक्सिस के अराउंड थी। इसी तरह y एक्सिस के अराउंड अगर आपने रोटेशन करनी है तो y एक्सिस वाली जो टर्म है वो y चेंज ना हो, x और z की वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर आपने जस्ट इन केस के इफ़ यू हैव क्रैम्ड इट, अगर आपने रटा मारा हुआ है तो कि ये कॉस माइनस साइन साइन कॉस होता है, वेल वाई एक्सिस पे ऐसा नहीं है, वाई एक्सिस पे कॉस साइन माइनस साइन कॉस होता है। ये डिराइव पूरा किया जा सकता है, मैं डिराइव नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह जी एक्सिस पे जो रोटेशन मैट्रिक्स है वो ये बनता है, अगेन जी की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी, विच मीन्स के जो भी रोटेशन हुई थी वो जी एक्सिस के अराउंड हुई थी, वरना जी चेंज हो जाता। इस स्लाइड से जो टेक होम मैसेज है वो ये है कि आपके पास कोई भी 3D रोटेशन है जिसमें ये आपको लगेगा कि जैसे ये तो 9 वैल्यूज चाहिए थी मुझे, ये सारी 9 वैल्यूज, वेल नहीं, आपको नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 3 नंबर्स चाहिए, और वो ये 3 रोटेशन एंगल्स हैं कि x के इर्द गिर्द कितना रोटेट करना है, y के इर्द गिर्द कितना रोटेट करना है, और z के इर्द गिर्द कितना। वी ओनली नीड 3 मैट्रिक्स। सो अ 3-dimensional रोटेशन इज पैरामीटराइज्ड बाय 3 नंबर्स ओनली, एंड दे आर द एंगल्स ऑफ रोटेशन अराउंड ईच ऑफ दीज कैनोनिकल एक्सेस x, y एंड z। इसका मतलब है कि जो मेरी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन थी, रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन t जिसको मैं कह रहा था, जो वर्ल्ड से कैमरा कोऑर्डिनेट्स में लेके आती है चीज़ों को,
एम डब्ल्यू से एम सी पे जो लेके आती थी, इनमें कंबाइंड टी के अंदर 6 पैरामीटर थे, 3 रोटेशन के थे थीटा एक्स थीटा वाई थीटा जी, और 3 ट्रांसलेशन के थे टी एक्स टी वाई टी जी। ये कंबाइन होके ये 6 पैरामीटर्स, इनको आप कहते हैं कि ये एक्सट्रिंसिक पैरामीटर्स हैं कैमरा के। एक्सट्रिंसिक इसलिए क्योंकि ये कैमरा से बाहर के हैं, कि कैमरा वर्ल्ड ओरिजिन से कितनी दूर था, ये वो ट्रांसलेशन वेक्टर है, और कैमरा वर्ल्ड ओरिजिन के हिसाब से कितना रोटेट हुआ होता, ये वो थीटा एक्स थीटा वाई थीटा जी रोटेशन एंगल्स है। ठीक है, इनका कैमरे के इंटरनल से, कैमरा के इंटरनल कन्फिग्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये कैमरा के बाहर के पैरामीटर्स हैं, इनको एक्सट्रिंसिक पैरामीटर्स कहते हैं, ये 6 होते हैं। अब देखते हैं कैमरा के अंदर क्या हो रहा है। पहले तो प्रोजेक्शन इक्वेशंस पे ही चलते हैं, कि मेरे पास वर्ल्ड में रिप्रेजेंटेड पॉइंट था, मैंने इसको ट्रांसफॉर्म किया कैमरा कोऑर्डिनेट्स में, अब मैं प्रोजेक्शन कर सकता हूँ। नाउ वी कैन प्रोजेक्ट, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला अभी डराइव किया था वो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला कैमरा कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंटेड पॉइंट्स के लिए था। अच्छा, अब मैं एक फ़र्क डालने लगा हूँ, मैं यहाँ स्पेसिफाई करने लगा हूँ कि जब कैमरा कोऑर्डिनेट सिस्टम में आते हैं ना पॉइंट्स, पहले तो मैं कह रहा था कि वो एक्स वाई जी है, अब मैं कह रहा हूँ वो एक्स सी वाई सी और जी सी है, जस्ट टू मेक श्योर कि हम कैमरा कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात कर रहे हैं। जो मेरी इक्वेशंस थी, अगर आप प्रोजेक्शन इक्वेशंस देख लें, ये थी प्रोजेक्शन इक्वेशंस, x इक्वल्स फोकल डिस्टेंस इनटू x ओवर z, y इक्वल्स फोकल डिस्टेंस इनटू सीन में जो y था और सीन में जो z था। अब सिर्फ ये होने लगा, यहाँ पे एक्स सी और जी सी आ जाएगा, यहाँ वाई सी और जी सी आ जाएगा, दैट्स इट, इट्स ऑल आई हैव डन। स्मॉल एक्स इक्वल्स एफ इंटू एक्स सी ओवर जी सी, स्मॉल वाई इक्वल्स एफ इंटू वाई सी ओवर जी सी, ये मेरी प्रोजेक्शन इक्वेशंस आ गई। अब ये सॉरी, मैंने रिमूव करना था, मैंने रिमूव किया नहीं, मैं भूल गया, इन्हीं मसलों की वजह से मेरी लेक्चर भी लेट हो गया। सो ये इनकरेक्ट है, जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस। ओके, अब उस पे आते हैं, यूनिट्स पे, कि अगर आपके दुनिया वाला जो पॉइंट था, अगर लेट्स से वो इंचेस में था या मीटर्स में था या फीट में, जिसमें भी था, अगर इंचेस में था तो ये जो प्रोजेक्शंस आ रही हैं ये भी इंचेस में ही होंगी, वर्ल्ड यूनिट्स में ही होंगी, क्योंकि एक्स के इंचेस और जी के इंचेस ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन फोकल डिस्टेंस ये अभी भी इंचेस में है, तो एक्स जो है ये भी, इसका यूनिट भी इंचेस होगा, सिमिलरली फॉर वाई। नाउ लेट्स सी के इंचेस से पिक्सल्स में कैसे जाना है। ठीक है, सो प्रोजेक्ट तो मैंने कर लिया, हाँ प्रोजेक्ट तो मैंने कर लिया, लेकिन ये प्रोजेक्शन इन इंचेस थी, या इन वर्ल्ड यूनिट्स कहना चाहिए टेक्निकली, लेकिन अभी हम इंचेस को लेके चल रहे हैं, और इसको हमने पिक्सल्स में अप लेके जाना है। सो टू कन्वर्ट टू पिक्सल्स, बड़ा आसान है, आपकी जो भी लोकेशन आई है उसको पिक्सल्स पर इंच से मल्टीप्लाई कर दें। आप इस तरह से देख लें कि आप कहते हैं कि मेरे पास एक एम पॉइंट आया है, वो ये वाला पॉइंट, और आप मुझे कहते हैं कि इसकी जो है ना वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में ये इतने इंचेस है, अच्छा कितने इंचेस है, लेट्स से ये 3 इंचेस है, फाइन, तो वाई इस तरह रिकॉर्ड हुआ है 3 इंचेस। लेकिन अगर मुझे पता है कि मेरे कैमरा का जो सेंसर था, इफ़ आई नो कि मेरे सेंसर में इसकी जो डिमेंशंस थी वो थी लेट्स से 5 इंचेस इन दिस डायरेक्शन एंड 3 इंचेस इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, और ये 3 इंचेस आया है, ठीक है, विच मीन्स कि जो भी कैमरा सेंटर जिसे हम कहते थे, क्योंकि मेरा इमेज का ओरिजिन ये होता था ना, कैमरा सेंटर, सॉरी प्रिंसिपल पॉइंट,
इसके मुताबिक लेट से एम इस तरह का आया है कि ये 3 इंचेस आ गया है, ठीक है, फाइन। अब एक चीज देखने की है, मैं यही वाली फिगर जरा नीचे ड्रॉ करता हूं और अब मैं इसके ना पिक्सल्स ड्रॉ करता हूं। इसमें मैं रिकॉर्ड क्या कर रहा हूँ, सॉरी मेरी इमेज काफ़ी ख़राब बनाई मैंने, पर व्हाट एम आई रिकॉर्डिंग हियर, आई एम रिकॉर्डिंग कि इसमें इस डायरेक्शन में मैं देखूँ तो आई हैड, लेट्स से आई हैड, हंड्रेड एंड फिफ्टी पिक्सल्स, और इस डायरेक्शन में देखूँ तो आई हैड हाउ मेनी, अगर चलें इस डायरेक्शन में रहते हैं 150। तो ये बताइए कि ये जो दो फिगर्स मैंने बना दी हैं, ये डिमेंशन 5 इंचेस थी, कैन यू टेल मी कि इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पिक्सल्स पर इंच कितने हैं? एनीवन? वेल, यू हैव 150 टोटल पिक्सल्स एंड यू हैव 5 टोटल इंचेस, ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ, यूनिट्स भी लिख देता हूँ, 150 पिक्सल्स और 5 जो है ये इंचेस में है, सो पिक्सल्स पर इंच इज ये कितना बनेगा, 30, सो दिस इज 30 और मैं यूनिट लिखता हूँ इसका साथ, 30 पिक्सल्स पर इंच, सही। और इधर लेट्स से 90 पिक्सल्स थे, तो इधर भी वही बनेगा, 30 पिक्सल्स पर इंच, ठीक है। ये वो चीज़ है जिसको मैं एफ कह रहा हूँ, नहीं वेट, अभी नहीं, अभी मैंने इसको एफ नहीं कहा था, ये बस पिक्सल्स पर इंच है, ठीक है। तो बस आप पिक्सल्स पर इंच से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक्स डायरेक्शन में जो भी पिक्सल्स पर इंच था उसको पी एक्स कह दिया, वाई डायरेक्शन में जो भी पिक्सल्स पर इंच था उसको मैंने पी वाई कह दिया। ये फ़र्क क्यों कहे मैंने, फ़र्क इसलिए कहे हैं कि आपके कोई सेंसर ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें जिसको आप पिक्सल, आप तो अभी तक पिक्सल को समझ रहे हैं कि स्क्वायर होता है, वेल व्हाट इफ एक पिक्सल रेक्टेंगुलर है, ये पॉसिबल है, ठीक है, अगर आपके इस तरह रेक्टेंगुलर पिक्सल था तो इधर तो कम पिक्सल्स आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 कह लें, और इधर ज़्यादा पिक्सल आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और लेकिन ये जगह भी तो कम है, मतलब ये 3 इंच है और उतने ही पिक्सल्स आ गए हैं, और ये 5 इंच है और उतने ही पिक्सल्स आए हैं, सो पिक्सल्स पर इंच इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कम होंगे, पिक्सल्स पर इंच इधर ज़्यादा होंगे, सो आई होप यू गेट द आइडिया कि ये वो पिक्सल्स पर इंच है, ठीक है। ये जो पूरी टर्म थी ये इंचेस में थी, एज वी सॉ अर्लियर, ये टर्म पूरी इंचेस में थी, ये पिक्सल्स पर इंच में है, विच मीन्स के अब जो यूनिट्स होंगे ये पिक्सल्स में होंगे, हाँ ये पिक्सल्स में, ठीक है। सो मेरे पास जो प्रोजेक्शन आई थी इमेज प्लेन के ऊपर वो पहले इंचेस में थी, अब पिक्सल्स में आ गई है, ठीक है, दिस इज डन, पिक्सल्स पे आ गई। और इनको मैं कंबाइन भी कर सकता हूँ, पी एक्स इंटू एफ, पी वाई इंटू एफ, इसको कंबाइन कर लेता हूँ तो, और इस इनके प्रोडक्ट को पी एक्स इंटू एफ के प्रोडक्ट को मैं एफ एक्स कह देता हूँ, पी वाई इंटू एफ के प्रोडक्ट को एफ वाई कह देता हूँ, और ये जो इक्वेशन है इनमें से एक सिंबल कम कर देता हूँ और थोड़ी सी सिंपल हो जाएंगी इक्वेशंस, वापस सिर्फ एफ एक्स इंटू एक्स ओवर जी है, ये एफ वाई इंटू वाई सी ओवर जी है, ऑल आई डन इज आई कम्बाइंड, ये प्रोडक्ट ले लिया मैंने दोनों का, ये हो गया। अब रहता क्या है, रहता ये है कि आपका जो इमेज का ओरिजिन है
वो यहाँ पे टॉप राइट पे देखें, आपकी इमेज का ओरिजिन ये बना हुआ है जिसको प्रिंसिपल पॉइंट था उसी को इमेज ओरिजिन कह रहा हूँ मैं। लेकिन हमें किस बात की आदत है, हम इमेज का ओरिजिन किसे कहते हैं? टॉप लेफ्ट कॉर्नर, हाँ टॉप लेफ्ट को कह सकते हैं, बॉटम लेफ्ट को कह सकते हैं, यानी अक्सर किसी ना किसी कोने को कहते हैं। ठीक है, जनरल पॉइंट ये है कि इमेज का सेंटर जरूरी नहीं है कि प्रिंसिपल पॉइंट हो, इमेज का सेंटर आपका कोई और भी हो सकता है। तो इमेज का सेंटर अगर कोई और है, इस बात को भी इनकॉर्पोरेट करने के लिए आप करेंगे ये कि यही जो प्रोजेक्शन इक्वेशंस आई थी जिसमें पिक्सल्स आ गए थे, ये वही पिछली स्लाइड वाले हैं, ठीक है, ये पिक्सल्स आ गए हैं, ये भी पिक्सल्स आ गए हैं, लेकिन ये लोकेशन है सी के हिसाब से, इसमें सी ओरिजिन था, स्मॉल सी प्रिंसिपल पॉइंट। मैं प्रिंसिपल पॉइंट की लोकेशन ऐड कर देता हूँ। अब ये जो यू नॉट वी नॉट है, ये जो यू नॉट वी नॉट है, अगर लेट्स से हम इसको ओरिजिन थोड़ी देर के लिए मान लें, तो और ये आपका सी था प्रिंसिपल पॉइंट, तो इसका जो भी ये जो डिस्टेंस है ये वी नॉट कह दें और ये जो डिस्टेंस है ये यू नॉट कह दें। ठीक है, क्योंकि आपके पास एक वेक्टर जो आ रहा है, ये सी का वेक्टर है, इसकी लोकेशन यू नॉट और वी नॉट। ठीक है, तो मैंने बस इस सी की लोकेशन ऐड कर दी है। अगर मैं सी की लोकेशन ऐड कर दूंगा तो मेरे पास अब पिक्सल्स के अंदर पॉइंट होंगे, इसकी वजह से पिक्सल्स हो गए थे, और इनकी वजह से ये जो प्लस किए हैं, इनकी वजह से ये ये नए ओरिजिन के हिसाब से हो जाएंगे। अब ये मैंने यहाँ पे एम्फसाइज किया हुआ, अब ये विद रिस्पेक्ट टू न्यू ओरिजिन हो जाएंगे। ठीक है, ओके, सो अब मैं किसी कोने के हिसाब से भी चला गया हूँ, यानी ओरिजिन का कंट्रोल मेरे पास आ गया है, पिक्सल्स पे मैंने रिप्रेजेंट कर लिया चीज़ों को। अब एक टेक्निकल सा पॉइंट है, आप समझ रहे होंगे कि आपके जो पिक्सल्स होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, फिर मैंने कहा नहीं वो तो वो रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, तो आपने सोचा होगा कि चलो परफेक्ट रेक्टेंगुलर होते होंगे। परफेक्ट का मतलब है कि उसके एक्स और वाई एक्सिस जो भी हैं, चाहे स्क्वायर है चाहे रेक्टेंगुलर है, एक्स और वाई एक्सिस ऑर्थोगोनल है, 90 डिग्री एंगल है। वेल, मैन्युफैक्चरिंग एरर की वजह से या मे बी फॉर सम अदर रीज़न एज वेल, ये हो सकता है कि आपका पिक्सल इस तरह का हो, यानी उसमें एक्स और वाई एक्सिस ऑर्थोगोनल ना हो, अगर लेट्स से रेक्टेंगुलर भी है तब भी, कि उसमें थोड़ा स्क्यूड पिक्सल हो। ठीक है, तो समटाइम्स पिक्सल्स या सेंसर्स के अंदर जो पिक्सल्स होते हैं वो स्क्यूड भी हो सकते हैं, उनका एंगल 90 डिग्री नहीं होता। तो जो भी वो एंगल है थीटा, अगर हमने इस बात को भी इनकॉर्पोरेट करना है ना, तो मैं अब इसकी डिटेल में नहीं जाता, पर आपकी जो प्रोजेक्शन की इक्वेशंस हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट सी हो जाएंगी, उसमें सिर्फ आपने ये स्क्यूनेस लेके आनी है, और यहाँ पे वो स्क्यूनेस आई हुई है। ठीक है, ये वो स्क्यूनेस आई हुई है। बाकी आप नोट करें, ये वही है एफ एक्स एक्स सी ओवर जी सी प्लस वो जो सी के कोऑर्डिनेट्स थे, यहाँ भी एफ वाई, ये तो वो प्रोजेक्शन थी और ये सी के कोऑर्डिनेट्स ऐड हुए थे। बस ये जो नया काम हो रहा है वो यहाँ पे यही हो रहा है कि जो स्क्यू है उसको इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। ठीक है, स्क्यू इनकॉर्पोरेट हो रहा है। ओके, ओके, सो अब मेरे पास असल में ना पांच पैरामीटर्स आ गए। एक एफ एक्स को मैं पिक्सल्स पर इंच तो नहीं कह सकता, ये पिक्सल्स पर इंच मल्टीप्लाइड बाय फोकल डिस्टेंस, ये जो प्रोडक्ट था इसको मैं एफ एक्स कह रहा था। सिमिलरली ये जो पिक्सल्स पर इंच वाई डायरेक्शन में इनटू फोकल डिस्टेंस, ये प्रोडक्ट को मैं एफ वाई कह रहा था, और अब मैं इन्हीं को लेके चल रहा हूँ, एफ एक्स और एफ वाई। और मेरे ये जो पैरामीटर्स हैं अब वो एफ एक्स एफ वाई, स्क्यू वाला जो एंगल है थीटा, और प्रिंसिपल पॉइंट की जो लोकेशन थी नए ओरिजिन के हिसाब से यू नॉट वी नॉट, ये पांच पैरामीटर्स बनते हैं।
इनको कहा जाता है कि ये मेरे इंट्रिंसिक पैरामीटर्स हैं। इंट्रिंसिक इसलिए क्योंकि ये कैमरा के अंदर के पैरामीटर्स हैं, कैमरा के अंदर फोकल डिस्टेंस क्या था, लेंस और इमेज प्लेन का डिस्टेंस, कैमरा के अंदर जो सेंसर्स थे, सेंसर के जो पिक्सल थे वो कितने स्क्यूड थे, वो थीटा उसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। सो ये दो कवर हो गए, स्क्यू इसको कवर कर, और कैमरा के अंदर जो प्रिंसिपल पॉइंट था वो जिसको आपने ओरिजिन कहना है उसके हिसाब से प्रिंसिपल पॉइंट कहाँ पे बनता था, ये दो लोकेशन, ये पांच पैरामीटर्स हैं, ये सारे कैमरा के अंदर की चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, ये बाहर, ये इस पर नहीं डिपेंड करते कि कैमरा देख कहाँ रहा था और पड़ा कहाँ पे था। तो ये एक्सट्रिंसिक पैरामीटर से फ़र्क है, इंट्रिंसिक है। तो एक्सट्रिंसिक थे 6, 3 रोटेशन 3 ट्रांसलेशन 6, इंट्रिंसिक हैं 5, टोटल हो गए 6 प्लस 6 प्लस 5 11, ओके। अब इस सारी चीज़ को सम अप कर लेते हैं, ये जो जो हमने पढ़ा है वो सम अप होने लगा है इस स्लाइड में। मेरे जिसको अब मैं एक आपको ना एक मैट्रिक्स देने लगा हूँ, उसे मैं कहूँगा कैमरा मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स होगा, ये करेगा क्या, आप इस मैट्रिक्स के साथ दुनिया में रिप्रेजेंट हुआ हुआ पॉइंट, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट हुआ हुआ पॉइंट लेके आएंगे, ठीक है। वही सोचें कि आपके कमरे में एक कोना था, उस कोने को आपने कहा मेरा ओरिजिन है, और उस कमरे के कोने से जो तीन एक्सिस निकल रहे थे वो आपके एक्स वाई जी एक्सिस थे। उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई आपके कमरे में कोई ऑब्जेक्ट का पॉइंट है, चाहे अपना सर ले लें, उस कोने के हिसाब से आपके सर का कोई पॉइंट है, उसकी कोई लोकेशन है, वो एक्स डब्ल्यू वाई डब्ल्यू जी डब्ल्यू कॉमा वन है। वन मैंने अपेंड किया है होमोजेनाइज करने के लिए, प्रोजेक्टिव स्पेस में आने के लिए। मैंने अपने वर्ल्ड पॉइंट को लिया, यहाँ पे मैं यहाँ लिख भी देता हूँ नीचे कि ये था एम वर्ल्ड के हिसाब से। मैंने उसके ऊपर ये वो ट्रांसफॉर्मेशन टी है जो किसी भी चीज़ को वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम से उठा के जब मैं ये अप्लाई कर दूंगा तो ये कैमरा कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये वो रोटेशन थी, 3x3 रोटेशन यहाँ पे थी, ठीक है। ये आर है, ये वो ट्रांसलेशन वेक्टर था 3x1, ठीक। ये वो जीरोस का वेक्टर था 1x3, और यहाँ पे 1 पड़ा था, ठीक है। ये पूरी ट्रांसफॉर्मेशन है, रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन, ये वर्ल्ड से उठा के कैमरा कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले आएगी चीज़ों को। अगेन मैं टू बी स्पेसिफिक, ये होमोजेनस स्पेस में है, ये भी होमोजेनस स्पेस में, ठीक है। उसके बाद ये प्रोजेक्शन है, आप ये प्रोजेक्शन देखें, ये 1 1 1 है और ये आखिरी कॉलम 0 है, विच मीन्स कि ये जो भी वो प्रोजेक्टिव पैरामीटर था ना, होमोजेनस स्पेस वाला जो पैरामीटर है, आखिरी कंपोनेंट, उसको ड्रॉप कर देगा ये, क्योंकि ये जीरो से हमेशा आखिरी कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो हमेशा जीरो से मल्टीप्लाई होकर आ रहा है, वो ड्रॉप हो जाएगा। और इसके अंदर तीन रोज हैं, इस प्रोजेक्शन मैट्रिक्स में तीन रोज हैं, इसका मतलब जो भी रिजल्ट आएगा उसमें तीन नंबर होंगे। लेट मी टेल यू वो तीन नंबर क्या हैं, वो तीन नंबर मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। यानी जब आप स्पेस नहीं है मेरे पास कर रहा, जब आप ये काम कर लेते हैं ना, ये सारा काम, तो आपके पास असल में व्हाट डू यू हैव एट दिस पॉइंट, आपके पास आपका दुनिया वाला पॉइंट कैमरा के हिसाब से रिप्रेजेंट हुआ होगा, और या वो कैमरे के हिसाब से रिप्रेजेंट हुआ होगा, दैट्स इट, ठीक है। उसका होमोजेनस जो भी है 1 था वो निकल गया, ठीक है। 1 ज़रूरी आना था क्योंकि यहाँ 0001 थी आखिरी रो, ये गारंटीड है कि मेरे एंड पे 1 ही आना था, मैंने 1 को ड्रॉप कर दिया। और उसके बाद जो मेरे जो प्रोजेक्शन इक्वेशन थी, ये आप खुद देखिएगा कि ये जो एंड पे मैंने प्रोजेक्शन इक्वेशन लिखी है ना, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, ये
इक्वेशन किस पे अप्लाई हो रही है, एक्स सी पे, वाई सी पे और जी सी पे, यानी ये कैमरा कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो एम सी जिसको पॉइंट कहते थे ये उस पे अप्लाई हो रही है। मैं यहाँ इसको एम सी लिख देता हूँ कि ये अब होमोजेनस स्पेस में भी नहीं रहा, ये एम सी है, ठीक है, और इसके ऊपर ये अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो यहाँ मैं कह देता हूँ कि मेरे पास एम सी आ गया यहाँ, और उसके ऊपर अब मैंने उसको मैंने प्रोजेक्शन इक्वेशन सारी की सारी लगा दी है। ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ कि वाई इज इट के ये वाला जो मैट्रिक्स है 3x3 का, ये इन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करता है, ये आप वेरीफाई कर लीजिएगा। और उसमें आप ये देख लीजिएगा कि यहाँ पे सिर्फ दो नंबर्स हैं, जबकि ये मैट्रिक्स तो तीन नंबर्स देगा, विच मीन्स कि ये प्रोजेक्टिव स्पेस में हैं आप, इमेज की यानी P2 में हैं अभी आप, यानी यहाँ इधर भी U V W लिखा हुआ है। तो जब आप इस W से डिवाइड करेंगे तब आपके पास ये इक्वेशंस आ जाएंगे, ठीक है जी, या वेरीफाई कर लीजिएगा। अब जरा मैट्रिक्स के साइजेस देख लेते हैं। ओके सर, दिस एक्सट्रिंसिक मैट्रिक्स, इसका साइज था 4x4, प्रोजेक्टिव स्पेस पे था 4x4, ये प्रोजेक्शन मैट्रिक्स 3x4, ये इंट्रिंसिक मैट्रिक्स 3x3। मुझे बताएं इन मैट्रिसेस को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो साइज क्या आएगा? और ये मैंने मल्टीप्लाई करके 3x4 मैट्रिक्स यहाँ पे बना दिया, और इस पूरे को मैंने फुल प्रोजेक्शन मैट्रिक्स कहा है, ठीक है, 3x4 है, इसके अंदर 12 पैरामीटर्स आएंगे। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको गौर से समझें। अब देखें, मुझे तो कुछ भी नहीं पता होगा, जब आप मुझे कुछ इमेज देंगे या मुझे कैमरा देंगे, मुझे तो कुछ नहीं, मुझे तो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम का भी कुछ नहीं पता, मैं तो पॉइंट को भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, मेरे पास कोई रोटेशन का नहीं पता, कोई ट्रांसलेशन का नहीं पता, मुझे कोई इंटरनल्स का नहीं पता कैमरे के, क्या स्क्यू है, कितना है, प्रिंसिपल पॉइंट कितना दूर है ओरिजिन से, एंड सो ऑन, फोकल डिस्टेंस क्या था, सारा कुछ, स्क्वायर पिक्सल से रेक्टेंगुलर थे क्या थे, कुछ पता नहीं, पिक्सल्स पर इंच क्या थे, कुछ पता नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये जो भी थी ये चीज़ें, जब भी ये मल्टीप्लाई होंगी तो असल में तो एक 3x4 बनेगा ना, कहानी का मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि एक 3x4 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो इमेज पॉइंट आ जाता है आपके पास होमोजेनस स्पेस में, ये भी होमोजेनस स्पेस में है, यानी ये P3 में था इसलिए इसमें चार नंबर्स हैं, और ये जो रिजल्ट है ये P2 में आया है, प्रोजेक्टिव स्पेस 2 डिमेंशनल, इसमें तीन नंबर्स हैं। और दुनिया के पॉइंट से होमोजेनस स्पेस में इमेज के पॉइंट तक पहुंचना पिक्सल्स में, लेकिन होमोजेनस स्पेस में वो ये 3x4 मैट्रिक्स अचीव करता है। और अगर आप मुझसे कभी पूछें कि यार मुझे ये कैमरा के ना सारे पूरा प्रोसेस मुझे चाहिए, मैंने मैथमेटिकली मैंने आपके कैमरे से एक तस्वीर खींचनी है, मैं ये वाला मेरा पॉइंट है एक्स वाई जी वाला, और मुझे आपने यू वी डब्ल्यू देने हैं, तो कौन सा मैट्रिक्स है, तो मेरे पास अब दो ऑप्शंस आ गई हैं, या तो मैं ये इंडिविजुअल मैट्रिसेस और इनके पैरामीटर्स पता करूं सारे और फिर बारी बारी इनको मल्टीप्लाई करूं और यू वी निकाल लूं, या मैं ये वाला मैट्रिक्स ढूंढने की कोशिश करूं, ये एक ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगी, यहां तो बहुत ज़्यादा है ना मल्टीप्लिकेशन, तीन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, यहां एक ही है, तो मैं इसके थ्रू करना चाहूँगा, क्योंकि ये फाइनल कहानी तो इसके अंदर है, सब कुछ मिक्स हो गया, अब स्क्यू क्या था वो यहाँ से नहीं नज़र आ रहा, प्रिंसिपल पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट से कुछ नज़र नहीं आ रहा, रोटेशन क्या थी, ट्रांसलेशन क्या थी, कुछ पता नहीं लग रहा इस मैट्रिक्स के अंदर, सब कुछ मिक्स हो गया। लेकिन अगर मुझे उन सारी चीज़ों की परवाह नहीं है, मुझे अगर नहीं चाहिए तो ठीक है, दैट्स माई मैट्रिक्स। सो समरी इस स्लाइड की ये है कि ये जो पूरा लेक्चर हमने पढ़ा है, अगर आपको कुछ भी समझ ना लगा हो, बस ये समझ लें कि
कि दुनिया के पॉइंट को अगर आपने इमेज के पॉइंट पे प्रोजेक्ट करना है और आप होमोजेनस स्पेस में रहते हैं दोनों तरफ प्रोजेक्टिव स्पेस में, तो एक 3x4 का एक मैट्रिक्स है जो P3 से P2 पे मैप कर देगा आपको। इस मैट्रिक्स को कहते हैं कैमरा प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, ठीक है, या कैमरा मैट्रिक्स भी कह देते हैं, इसको कैमरा भी कह देते हैं, सिर्फ इस मैट्रिक्स को कह देते हैं कैमरा, क्योंकि अगर आपके पास ये मैट्रिक्स मौजूद है ना तो जो कैमरे ने करना था वो सारे काम आप भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें आप नोट करें कि पैरामीटर्स तो 12 हैं लेकिन इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 11 है, क्यों? लास्ट वाला 1 होगा इसलिए। लास्ट वाला क्यों? कोई भी 1 हो सकता है, और 1 भी क्यों? 10 भी हो सकता है। पॉइंट इज कि आप किसी को भी फिक्स कर सकते हैं क्योंकि आप प्रोजेक्टिव स्पेस में हैं, ठीक है, यानी इसका जो स्केल है ना मैट्रिक्स का पूरा जो स्केल है वो आप चेंज कर दें, यानी सारों को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये मैट्रिक्स वही काम कर रहा होगा यूक्लिडियन स्पेस में जो 10 से मल्टीप्लाई करने से पहले कर रहा था। आप 1/P3/4 से मल्टीप्लाई कर दें, स्केल कर दें सबको, तो तब भी ये वही काम कर रहा होगा जो पहले कर रहा था, लेकिन जब 1/P3/4 से करेंगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, जिस तरह आप इफ्रान आपने भी कहा ना आखिरी वाले को कर दें, तो इसलिए मैंने आखिरी वाला कर दिया, वरना मैं कोई भी कर सकता था। पर इसका शॉर्ट फॉर्म ये है कि बिकॉज यू आर इन प्रोजेक्टिव स्पेस देर इज ऑलवेज दिस 1 फ्री स्केलिंग पैरामीटर, तो पैरामीटर्स 12 नज़र आते हैं लेकिन असल में डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी 11 होगी, और वो 11 इधर से भी नज़र आता है कि आपका जब हम ये डिकम्पोजिशन देखते हैं अलग-अलग, तो यहाँ आपकी 3 रोटेशन के पैरामीटर्स थे, 3 एंगल्स, 3 ट्रांसलेशन थे 6, और 5 इंट्रिंसिक थे इंटरनल उसके पैरामीटर्स, 6+5=11, और उतने ही इधर भी 11 डिग्री ऑफ फ्रीडम, सो एवरीथिंग चेक्स आउट, ठीक है। अच्छा, अब आपका लेक्चर अब शुरू हो गया होगा अगला, तो जी जी उसमें प्रेजेंटेशन भी है हमारी, तो हाँ ठीक है, आपका लेक्चर अब शुरू हो गया होगा, तो हम ये काम फिर बाकी अगली दफ़ा करेंगे, ठीक है, बाकी फिर अगली दफ़ा। आई रियली अपोलोजाइज फॉर द डिले, मैं बस इसकी लेक्चर की नोटेशन में फंस गया था, एंड आई जस्ट कुडंट स्टार्ट द लेक्चर, था ही सब कुछ ख़राब, सो एनीवेज ठीक है जी। इफ देयर आर नो क्वेश्चंस तो शुक्रिया। सर मेरा क्वेश्चन था, जी जी बताइए।